मेरा नाम है निरंजन आयंगर. आई एम अ राइटर. आई राइट स्क्रीन प्ले, आई राइट डायलॉग, आई राइट लिरिक्स. आई एम ऑल्सो अ प्रोड्यूसर. आई हैव ऑल्सो हैड अ चैट शो कॉल्ड लुकूज टॉकिंग विद निरंजन. या जिंदा दिली. नॉर्मली लिरिसिस्ट तो तभी आते हैं जब एक मेलोडी तैयार हो जाती है कंपोजर के दिमाग में और उनको पता होता है कि ये गाना बनाना है. तो ऐसे ही सलीम के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है. जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कुर्बान फिल्म उनके साथ की है और उसके अलावा भी मैंने हीरोइन फिल्म में भी एक गाना लिखा था उनके लिए. तो एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. सो वी कीप मीटिंग एंड यू नो चैटिंग अबाउट अदर थिंग्स एज वेल. तो ये जब मेलोडी बनी थी तब उन्होंने मुझे इसके साथ ही मैंने तीन गाने थे टोटल, तो ये तीसरा गाना था. तो जब ये मेलोडी तैयार हुई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि थोड़ा सा चैलेंजिंग गाना है और ये लिखना है. तो आई सेड ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज गेम टू वर्क विद सलीम बिकॉज मोर देन एनीथिंग एल्स इट्स चैलेंजिंग एंड इट्स अ ग्रेट फन प्रोसेस. आई रियली एन्जॉय इट थरली. तो बस उन्होंने मेलोडी सुनाई और मैंने इसी स्टूडियो में कोने में बैठ के 4.5-5 घंटे बैठ के लिखा ये गाना और उनको भी बहुत पसंद आया. फिर राज ने गाया भी और उसी दिन पूरा मतलब हो गया था एंड वी वर वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग. ये थोड़ा अलग है क्योंकि अगर आप ये गाना ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि इस गाने में एक भी लाइन रिपीट नहीं होती. जो शुरुआत से लेके आखिर तक हर लाइन अलग है. जो एक नज़म का फॉर्म होता है शायरी में, तो ये नज़म का फॉर्म है. जहाँ आमतौर पे जब आप गाने सुनते हो तो आप देखते हो कि लाइनें रिपीट होती है, मुखड़ा रिपीट होता है, बार बार आता है. इसमें सिर्फ जिंदा दिली वर्ड बार बार आता है, बाकी सारे जो वर्ड्स और लाइन्स हैं वो अलग हैं. तो वो चैलेंज था क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम मुखड़ा लिखते हैं 4 लाइनों का, मुखड़ा 2 लाइनों का होता है, अंतरा 4 लाइनों का होता है, फिर आपको पता है कि 4 लाइनों के बाद मुखड़ा दोबारा रिपीट होगा. यहाँ पे वो नहीं होता. तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. और उसके अलावा ये भी था कि एक ये जो मेलोडी है, इस मेलोडी में एक ब्रीजीनेस है जो कि सलीम सुलेमान के हर गानों में होती है. एक ब्रीजीनेस जिसको गाने का भी एक तरीका होता है जो ब्रीजी ही होता है. उसमें आप बहुत ही कड़े या बहुत हेवी अल्फाज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो गाने की ब्रीजीनेस को निकाल देता है. तो मुझे ये भी ध्यान रखना था कि ये गाना गाया भी इसी ब्रीजी तरीके से जाएगा तो जो अल्फाज यूज़ किए जाएंगे उनमें ज़्यादा हेवीनेस या ज़्यादा शार्प एजेस अगर हों तो फिर गाने के साथ वो इंटरफेयर करेगा. तो वो एक चैलेंज था. तो ये 2 मेन चैलेंजेस थी गाने में. जिंदा दिली. एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है इसमें. एक लाइन है विच सेज के अपने हाथों में है अपनी रुबाई. तो रुबाई जो होती है इट्स पोएम, इट्स बेसिकली. तो मुझे वो लाइन जब सूझी क्योंकि उस वक्त तो व्हेन यू आर राइटिंग अ सॉन्ग उस थॉट में हम एक थॉट आता है पर उसमें हम जी नहीं पाते क्योंकि उस वक्त इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि पहली लाइन क्या थी, अगली लाइन क्या होने वाली है, बीच में ये फिट हो रही है नहीं. तो उस वक्त मुझे रजिस्टर नहीं हुई वो लाइन जब लिखी थी, वो फ्लो में आ गई. लेकिन बाद में जब मैंने वो गाना सुना तो मुझे लगा अरे ये लाइन तो काफ़ी अच्छी, मतलब मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो थॉट बहुत अच्छा है कि अपनी पोएट्री या अपनी ज़िंदगी की पोएट्री अपने हाथ में है तो वो आपको ही लिखनी है. ये थॉट था उस लाइन का. तो वो बहुत खूबसूरती से गाने में आती भी है लाइन. तो दैट इज माई फेवरेट लाइन इन द सॉन्ग. तो ये गाना आप सुन सकते हो पूरा हफ्ता रेड एफ एम पे ऑन अ प्रोग्राम कॉल्ड रेड एफ एम प्रेजेंट्स द भूमि प्रोजेक्ट विद सलीम मर्चेंट. बजाते रहो.